अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हमने रिटर्न का पीएनआर बनाना सीखना है। जैसे एक वैक्स लाहौर से दुबई जाता है तो दुबई से वापस भी तो आना है ना, एक मंथ बाद उसने फर्ज करेंगे वन ईयर बाद आता है या वन ईयर या सिक्स मंथ बाद आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं 125 अगस्त की फर्ज का एक अवेलेबिलिटी देता हूँ, 125 अक्टूबर लाहौर से डीएक्स दुबई चेंज की पी के फर्ज कर हमने पी आई पे जाते हैं, ठीक है। तो ये लाहौर से दुबई एक ही फ्लाइट है जो डायरेक्ट जा रही है, जिसमें ये सीट्स हैं, ठीक है। येलो के बाद सारी इकॉनमी क्लासेज हैं, येलो से पहले बिजनेस क्लासेज हैं। तो इसकी मैं क्लास वैलिडेशन चेक करने के लिए एफ क्यू लाहौर से दुबई करूँगा, नेम की पी के करता हूँ, पी के कर या आप इस तरह डाल लें 25 अक्टूबर नेम की पी के, मैं एंटर करूँगा तो इसकी क्लास वैलिडेशन आ जाएगी वन वे की, फिर वन वे ओ डब्ल्यू से वन वे रिटर्न के लिए ये है, ठीक है। लेकिन हमने वन वे जाना है, पहले वन वे की क्लास चेक करनी है। तो ये वन वे है, विक्टर क्लास है, विक्टर ये जो फर्स्ट वर्ल्ड है कैपिटल, ये भी विक्टर ये क्लासेस को शो करता है, ठीक है। आइटम आई एल शो, इसका मतलब ये देखें लीमा इधर लिखा हुआ है, ठीक है। जिस जिसके अगर ये फेल नहीं ना दिया हुआ ये वाला, तो इसका मतलब है वो रिटर्न के लिए है, तो वो ये रिटर्न के लिए ये फेल है। लेकिन हमने वन वे है, हमने वन वे के चेक करने हैं। विक्टर क्लास में देखना सीट है, उसके बाद फिर यूनियन है जो वैलिड है, ये नहीं कि इधर हम जो सी वाली सीट सेल करके बैठ जाए येलो तक, ऐसे नहीं होता, बल्कि इधर क्लासेज दी होती हैं हर एरोप्लेन में। जैसे उसके बाद यूनियन है, इसमें विक्टर क्लास में सीट है नहीं है, ठीक है। यूनियन में भी नहीं है, लीमा में भी नहीं है, ये विक्टर है, ये यूनियन है, फिर लीमा आइटम में है। तो हमने आइटम सेल करनी है, तो हम क्या करेंगे 01 एक सीट सेट, अगर दो सीट सेट करनी है तो 02 करेंगे, ठीक है। अगर 3 करनी है तो 03, 5 करनी है तो 056 करनी है 06, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है क्लास कौन सी है आइटम, ठीक है। ये नहीं देखना कि आइटम क्लास है तो इसके आइटम 7 कर लें। आइटम के बाद हम लाइन नंबर देखते हैं, ये लाइन नंबर हमने ये आइटम सेल करनी है तो कौन सी लाइन से सेल करनी है, 1 नंबर से, ठीक है। अगर हम ये भी डायरेक्ट होती तो हमने इधर से ये सेल करनी थी, इधर से तब करनी थी अगर हमें वो टाइम पास के बाद एक दिन में काफ़ी फ्लाइट्स जा रही होती है डायरेक्ट, उसमें फिर टाइम लिमिट के हिसाब से जा रही होती हैं, ठीक है। ये टाइम लिमिट है कि कब कब जा रही है, तो हम यहाँ पे 01 करेंगे और आइटम 1 करेंगे। 01 से मेरा एक सीट सेल आइटम हमने इधर से उठा ली है और 1 इधर से ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करूँगा, सीट सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेम की के साथ आपको पता है, मैंने आपने मेरे पीछे लेक्चर देखे होंगे लेसन नंबर 4 में, बहुत तफसील के साथ है वो जो लेसन है, वो बहुत अहम है पी एन आर को बनाने के लिए। उसके बाद मैं लिखता हूँ मोहम्मद MUH AMH मोहम्मद स्लैश अली मिस्टर, ठीक है, ये नाम डाल लें, ठीक है। फिर भी ठीक है, इसके बाद ये लाजमी नहीं, अगर हम रिटर्न का लेके डालें तो फिर भी हम नाम डाल सकते हैं रिटर्न के लिए भी, ठीक है। इधर से नेम डाल गया तो कोई बात नहीं, नेम हम बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेम को अगर हम डिलीट करना चाहें तो वो क्या तरीका होगा, डिस्प्ले अल्फा करूँगा, ठीक है। फिर उसको मैं चाहता हूँ ये नेम डिलीट हो जाए, तो नेम को डिलीट करने के लिए नेम की 1.1 चेंज के लिखे एंटर करूँगा, ये नेम डिलीट हो जाए तो हम डिस्प्ले अल्फा करूँगा तो वो सीट हमारी से सीट हमारे पास आ जाएगी, जैसे पहले हम हमारे पास आते थे, ठीक है। असल में मैं चाह रहा था कि वन वे की अवेलेबिलिटी लूँ, फिर सेकंड रिटर्न की अवेलेबिलिटी लूँ, 125 नवंबर दुबई से लाहौर चेंज की पी के, ठीक है। अब इसके बाद हम दुबई से लाहौर के लिए कि हम देखेंगे कौन सी क्लास वेल्ड है, एफ क्यू दुबई से लाहौर 25 नवंबर नेम की पी के, ठीक है। इधर हम विक्टर क्लास वेल्ड है तो हम विक्टर क्लास देखेंगे, फर्स्ट लाइन में विक्टर क्लास की में सीट है, ठीक है। और डब्ल्यू इधर से देखना, ये नहीं कि उधर से हम रिटर्न देखते तो उधर से रिटर्न देखेंगे, जब हम दुबई से लाहौर के लिए तो वन वे ये शो होगी हमारी क्लास, तो इसमें रिटर्न के लिए ये विक्टर क्लास है, ठीक है। विक्टर क्लास है, अगर ना होती तो हमने यूनियन देखनी थी, यूनियन ना होती तो लीमा लेनी थी, ठीक है। तो हम अब
सेल करेंगे विक्टर 01, एक सीट सेल करनी है, विक्टर क्लास उठानी है, हो लाइन नंबर 1 से सेल करनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 01 विक्टर 1, ठीक है। इसके बाद मैं डिस्प्ले अल्फ़ा करूँगा तो हमारी ये दोनों शीट्स सेल हो आ जाएंगी, लाहौर से दुबई, दुबई से लाहौर। ये इसका डेट है, ये जहाज़ का नंबर है एयरलाइन का, ये एयरलाइन का, ठीक है। इसमें आइटम क्लास ली है हमने, इसमें विक्टर ली है, ये 25 अक्टूबर है, एक मंथ बाद की वापसी है, ठीक है। ये SS1 से सीट सेल है, अगर UC वगैरह तो सीट सेल नहीं था होनी, ये टाइम लिमिट है, ठीक है। ये उधर ये डिपार्चर टाइम है, ये उधर का अराइवल टाइम है, ये दुबई से डिपार्चर टाइम है, ये पाकिस्तान का अराइवल टाइम है लाहौर के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं नेम की डाल के फिर लिखता हूँ अब नाम HAWMD मोहम्मद स्लैश अली। अगर पहले डाल दिया तो डिस्प्ले अल्फा कर तो उसका भी कुछ नहीं होना था, जैसे एंटर करूँगा, ठीक है। इसके बाद करूँगा ABC ट्रैवल, फ़ोन नंबर लिखूँगा, ठीक है। रेफरेंस यानी कि जिसने बुकिंग बनाई, ये एक ही लाइन में हम लिखते हैं, पहले हम लैदर लैदर लिखते थे कि एजेंसी का नाम का लैदर लिखते थे और एजेंसी के मैनेजर का नंबर लैदर लिखते थे, 03136379 07, ठीक है। फिर आप पैक्स का लिखना, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ना लिखे अगर नहीं है पैक्स का नंबर, अगर है तो लिख दें, CTC लिख दें, होम नंबर लिख दें पैक्स का, ठीक है। इधर होम नंबर लिख दें, CTC कॉन्टैक्ट नंबर है, सेल है, मोबाइल है उसका, वो लिख देंगे 03002933622, हैंडल कर देंगे। फिर 70 नेम की, ओके, एयर बुकिंग को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब सी फील्ड है, 6 से हम सी फील्ड है, ठीक है। 6M कर लें या 6 अरफान कर लें, एक ही बात है, कोई भी 6 के साथ वर्ड लगना चाहिए कोई भी, यानी कि जिसने रिसीव किया इसका पता चल गया इसने ये बुकिंग बनाई। 6M ER करेंगे तो हमारी बेकस की बुकिंग आ जाएगी, ठीक है। ये देखें ER करने से बेकस का PNR आ गया, ठीक है। ये नीचे शो होता है और इधर PA का शो नहीं हुआ, जैसे मैं IR करूँगा तो ये देखें एयरलाइन का PNR भी शो हो गया, ठीक है, IR करने से। उसके बाद मैं इसका फेयर निकालता हूँ, वाटर पीटर, तो इसका फेयर क्या बनेगा, इसका फेयर दोनों का इकट्ठा बनेगा, ठीक है, कंबाइंड टिकट बनेगा लाहौर से दुबई। ये बेसिक फेयर है इसका 22,000 और इसका ये फेयर है, इसमें 22,000 में ये 1,000, ये 5,000 और ये 10,800 अदर टैक्सीज जो हैं वो ये हैं, ये नीचे लिखे हुए हैं, इन सब को अगर जमा करें तो ये 38,814 पे हमारा फेयर बन जाता है, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट ये तो अडल्ट का फेयर था ना, चाइल्ड का फेयर निकालना हो, वाटर पीटर 40 नैन्सी ईजी करेंगे तो वो हमारे चाइल्ड का फेयर आ जाएगा। आपको पता है चाइल्ड का फेयर 75% अलाउ होता है, 25% से चाइल्ड को डिस्काउंट होता है, ठीक है। जबकि इन्फेंट को कितना था, वाटर पीटर INF करेंगे, इन्फेंट का ठीक है, वो कह रहे हैं इधर इन्फेंट के लिए ना नेम लाजमी पास करो, ठीक है। इन्फेंट का उसने, क्योंकि हमने नेम नहीं पास किया इसलिए नहीं दे रहा, हम वैसे ही अगर बुकिंग ना करते तो वो दे देता। इसके मैं बेल्ट डिस्प्ले अल्फा करूँगा तो हमारा PNR फिर सामने आ जाएगा, ठीक है। IR करने से हमारा PNR भी फ्रेश हो जाता है, ठीक है, फिर हमारे सामने शो किया जाता है। ओके गाइस, वाह में याद रखें, ठीक है। अगर मैं इसको अब शो करके दिखाता हूँ, इसको हम इसी तरह फिर शो करते हैं तो क्यों किस तरह शो होगा। इसके लिए मैं लिखता हूँ, पेश करता हूँ, फर्स्ट नेम मोहम्मद ही है, ठीक है। इसको हम अगर PA की वेबसाइट पे भी देखें तो उधर भी ये शो, PA की वेबसाइट पे ये वाला PNR शो होगा और साथ इसका टाइम लिमिट भी अगर किया है तो वो भी शो हो जाएगा। ये PNR का बता रहा है कि ये टाइम लिमिट 18 अगस्त को बना है इस टाइम पे, ठीक है। ये मैंने इसका नाम लगाता हूँ, क्या नाम है, मोहम्मद अली, तो मोहम्मद इसका नाम इधर मैं लगा दूँगा, ठीक है। इधर शो एड पैसेंजर लास्ट नेम, आपने दोनों लगा के देख लेना, अली या मोहम्मद, ठीक है। लेकिन फर्स्ट नेम जो उधर लिखा होता है ना वो इसमें लास्ट नेम शो होता है। ये इधर बुकिंग शो, ये लाहौर से दुबई, ये सब कुछ इसका कन्फर्म है, ठीक है। ये सिर्फ एक बुकिंग है, ठीक है। अगर जिसमें टिकट नंबर शामिल होगा, टिकट नंबर इधर शो होगा तो इसका मतलब ये टिकट ओके है। उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर मेरे देखने पड़ेंगे। ये लंच दिया जाएगा, ठीक है, लाहौर से दुबई से लाहौर के लिए। इधर स्नैक्स दिए जाएंगे लाहौर से दुबई के लिए, क्योंकि सुबह का नाश्ते का टाइम होगा, ठीक है।
ये बता दिया कंफर्म है मोहम्मद अली है, ये नाम है, ये डिपार्चर डेट है, ये बेकस का PNR है, ये PIA का PNR है। मैं PIA की वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ, PIAC.com.PK। अगर PIA की वेबसाइट ओपन होगी तो मैं आपको PIA का भी PNR दिखाता हूँ कि अगर कोई इसी एयरलाइन का PNR हो तो एयरलाइन की वेबसाइट पे भी हम लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह शो होगा, जैसे ये है, इसमें ये बुकिंग माई बुकिंग पे आएंगे, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो मैं इधर पेज पे क्लिक करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा प्रोसीड पे, तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, या आपने ये भी PNR लगा के देख लिया है, बेकस का कहाँ पे शो होता है, एयरलाइन का इधर शो होता है। याद रखें कोई भी सिस्टम हो उसमें ये दो PNR लाजमी होते हैं। ठीक है, एयरलाइन का और इसका, ये इसके मैं 2-3 बार करूँगा क्योंकि स्पीड स्लो है, इसलिए ये मे बी अभी शो ना हो, या वेबसाइट ये बिज़ी होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चल रही है, PIA नंबर 1 एयरलाइन होती थी कभी। ठीक है, ये अभी इधर शो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं, ये तो ये शो हुआ ना, मैं इसका 2-3 बार करके देखता हूँ, शो हो जाएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट, जब मेरा ये नेट थोड़ा सा स्लो है आज, तो आपने इस तरह लगा के देख लेना है। ठीक है, ये PNR, ठीक है, ओके गाइस, हमने ये PNR बनाना सीखा, दुआओं में याद रखें। अगर हमारे बहुत से स्टेप्स हैं नेक्स्ट, जिसमें मैं मज़ीद आपको इस पर रोशनी डालूंगा। ठीक है, अगर इसके अंदर हमने मेल ऐड करना है, VGL ऐड करनी है, टिकट नंबर, डमी टिकट नंबर किस तरह डालना है, PNR को कैंसिल किस तरह करना है, इसको रिफंड किस तरह करना है, PNR को क्लेम किस तरह करना है, अगर हमने वेबसाइट से किसी का PNR बना लिया तो वो किस तरह इशू करना है, अभी बहुत कुछ है। ओके गाइस, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।